फ्रेंड्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। हाउ आर यू? फाइन, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल क्लास फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट पोयम हैप्पी चाइल्ड उसका मैंने आपको रीडिंग सिखाया था। आपने वो पोयम अपनी नोटबुक में लिखी है ना? यस और नो? यस, आपको वो उसमें लिखनी है और वो रीडिंग करना है। तो बच्चों, आज हम बढ़ते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। ओपन योर पेज नंबर 3। ओके, लेट अस स्टार्ट। उसमें लिखा है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस, सर्कल द वंस यू हैव सीन। उसका मतलब है कि नीचे आपको अलग अलग घर के ड्राइंग दिख रहे हैं, तो जो घर तुमने देखा हो उस पर आप गोला लगा। घर मतलब हाउस। तो फर्स्ट है हट। हट का मतलब है झोपड़ी। आपने वो छोटी सी झोपड़ी देखी है ना, उसको इंग्लिश में हट बोलते हैं। तो उसके ऊपर सर्कल बनाओ। उसके बाजू में है इग्लू। इग्लू का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक घर होता है तो जो आपको बर्फीली जगह पर देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है वहाँ आपको इग्लू देखने को मिलता है, राइट? तो आपने देखा होगा, उसके ऊपर सर्कल बनाओ। उसके बाजू में फ्लैट। फ्लैट मतलब वो एक से ज़्यादा फ्लोर का होता है। फ्लोर मतलब माले। तो वो 5, 6, 7, 8 फ्लोर का होता है, उसको फ्लैट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा ना बड़ी बड़ी सिटी में, और यहाँ पे हमारे पाटन में भी फ्लैट देखने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर सर्कल बनाओ। और लास्ट है बंगलो। बंगलो का मतलब है बहुत बड़ा घर, वो भी आपने देखा होगा। ओके, तो सर्कल बनाओ। तो आपको यहाँ पे काइंड्स ऑफ हाउस मतलब अलग अलग घर आपने सर्कल बनाए। कौन कौन से घर पे आपने सर्कल किया? तो कौन कौन से घर होते हैं? हट, इग्लू, फ्लैट और बंगलो। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है, ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट। आपको जो स्पेस दिख रही है उसमें आपको अपने हाउस का ड्राइंग करना है, राइट? ओके, नीचे देखते हैं। हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील का मतलब है, हाउ मतलब कैसा और फील मतलब महसूस करना। तो उसमें आपको फर्स्ट नंबर है, वैन यू गेट अ न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस मतलब नया ड्रेस। तो आप जब न्यू ड्रेस पहनते हो तब आपको कैसा लगता है? हैप्पी। आपको हैप्पी, खुश होते हो ना, राइट? सेकेंड नंबर, वैन यू गेट हर्ट। हर्ट मतलब दुखी। जब आप हर्ट होते हो तब आपको कैसा फील होता है? आप सैड हो जाते हो। सैड मतलब उदास, राइट? थर्ड नंबर, वैन यू शेयर योर थिंग्स। शेयर मतलब बांटना, थिंग्स मतलब चीज़ें। जब आपकी चीज़ आप शेयरिंग करते हो तब आप खुश होते हो कि सैड होते हो? हैप्पी होते हो ना। तो आपको जो ब्लैंक्स दिख रही है उसमें आपको लिखना है हैप्पी। हैप्पी का स्पेलिंग आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, HAPPY, हैप्पी। फोर्थ नंबर, वैन यू आर इल। इल का मतलब है बीमार। जब आप बीमार होते हो तब कैसे होते हो? सैड। आपको बीमार होना पसंद है? नहीं है, किसी को बीमार होना पसंद नहीं होता है, क्योंकि दवाई कड़वी कड़वी खानी पड़ती है, आपको वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप सैड हो जाते हो, राइट? ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। उसमें लिखा है, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम। तो जो लोग आपके घर में रहते हैं उसको आपको अपने घर के साथ मैच करना है। तो सबसे पहला ड्राइंग है माय ग्रैंडफादर। माय ग्रैंडफादर मतलब आपके दादा। तो अगर आपके दादा आपके घर में रहते हैं तो उस पर मैच करो घर के सामने, राइट? फिर है माय ग्रैंडमदर, उसका मतलब है दादी। तो आपकी दादी आपके घर में रहती है? अगर रहती है तो मैच करो, नहीं रहती है तो नहीं मैच करो। ओके, उसके बाजू में है माय फादर। फादर मतलब डैडी। तो डैडी आपके साथ रहते हैं ना, तो मैच करो। मदर, मदर का मतलब है मम्मी, वो भी आपके साथ रहती है तो मैच करो। उसके नीचे है माय सिस्टर। तो माय सिस्टर आपके घर में आपकी बहन रहती है ना, अगर रहती है तो मैच करो, अगर नहीं रहती है तो मत करो। फिर है माय ब्रदर। ब्रदर का मतलब है भाई। तो भाई रहता है तो मैच करो, नहीं है तो नहीं। ओके, तो आपने कौन कौन सी आपको साथ में मैच किया आपने? तो आपके घर पे कितने लोग रहते हैं? दादा, दादी, मम्मी, पापा, भाई और बहन,
ओके तो नीचे देखो भाई, आपको फर्स्ट से लेके सिक्स तक आपको वो जो डॉट दिखाई देते हैं वो आपको ट्रेस करना है ना। फिर आपको बोलना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है ना। ओके नीचे लिखते हैं, हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, आपके घर में कितने लोग रहते हैं। तो आपको लिखना है कि देर आर 4 पीपल या 5 पीपल, अगर आप 5 जन रहते हो तो 5 लिखना है, 4 जन रहते हो तो 4 लिखना है। ओके ओके चलो अब नीचे एक अब एक छोटी सी पोएम है जो है, जैक इन द बॉक्स सिट्स सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, यस आई विल। ओके बाजू का पेज है उसमें आपको डॉट दिखाई दे रहा है तो जॉइन द डॉट टेड लाइन, तो उसमें आपको वो सारे डॉट को ज्वाइन करना है। ओके ठीक है, तो आपको अगर डॉट ज्वाइन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट है बी, आपको बी दे बी आपको बन जाएगा, उसके नीचे सी बन जाएगा, उसके नीचे हाफ सर्कल बन जाएगा है ना, उसके नीचे भी हाफ सर्कल है बन जाएगा, डॉट ज्वाइन करोगे तो ओ बन जाएगा राइट। ओके तो ऐसा आपको ज्वाइन करना है और फिर आपको सबसे लास्ट में ए क्या बन जाएगा, आप डॉट ज्वाइन करोगे तो ए राइट। ओके आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6, तो उसमें है कि कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ अ कैट, अ काउ, अ डॉग, शीप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम बिलो, तो उसमें आपको कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना है, आपको कैट का, काउ का, डॉग, शीप सबका वो पिक्चर्स आपको इकट्ठा करना है। आप वो पिक्चर्स कोई भी न्यूज़पेपर में से भी कट करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको उसमें कोई भी आपके पास स्टिकर है तो भी चलेगा, वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ओके जैसे यहाँ पे देखो कैट लिखा है तो कैट के बाजू में कैट का स्टिकर चिपकाने का, काउ के बाजू में काउ का, डॉग के बाजू में डॉग का और शिप के बाजू में शिप का, और उसके बाजू में मंकी की जो पूंछ है वो आपको ज्वाइन कर देनी है राइट। तो आप मंकी की टेल बन जाएगी है ना, पूंछ का मतलब क्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं पूंछ को, टेल, तो आपको वो डॉट पूरा करना है राइट। ओके तो नीचे है मंकी, मंकी ऑन अ ट्री, स्विंग स्विंग स्विंग, मंकी ट्री के ऊपर स्विंग करता है ना, स्विंग मतलब झूला झूलना राइट। नेक्स्ट पेज सबसे लास्ट, उसमें लिखा है कि द फॉलोइंग हैव द लॉस्ट देयर बेबीज, ड्रेस अलोंग द मेजीज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो नीचे दिए गए जानवरों के बच्चे खो गए हैं तो आपको अलग अलग रंगों की सहायता से उन्हें आपको ढूंढना है, इसमें एक का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया है राइट। ओके तो आपको इसमें आपको सारा मैच करना है, तो चलो हम उसमें ढूंढते हैं, तो डॉग है तो वो आपको डॉग को डॉग के बच्चे के साथ मिलाना है, ऐसे देखो डॉग को डॉग के बच्चे के साथ मिलाओ, फिर काऊ है तो काऊ के बच्चे के साथ मिलाओ, बटरफ्लाई है तो उसके बच्चे के साथ मिलाओ, कांगारू को कांगारू के बच्चे के साथ मिलाओ राइट, लायन को लायन के बच्चे के साथ, ऐसे डक के बच्चे के साथ मिलाओ। ओके तो आपने बच्चों क्या सीखा इसमें कि ये एनिमल्स को अपने उसको बेबी के साथ ज्वाइन किया है। ओके तो बच्चों ये हमारा चैप्टर फर्स्ट, ये यूनिट फर्स्ट पूरा हुआ है, आपको ये अपनी बुक में मैं इसके साथ सॉल्यूशन भेज रही हूँ, तो वो सॉल्यूशन में देख देख के आपको ये बुक में सारा लिख देना है और आपको अपनी नोटबुक में भी एनिमल्स और उसके बेबीज़ के नाम लिखने के है। ओके बच्चों तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे फिर से मिलेंगे, बाय स्टूडेंट्स।